नमस्कार दोस्तों, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप टिकटॉक की कैरी मिनाटी के फैंस और सभी इंडियंस ने मिलकर बैंड बजा दी है। सभी लोग आज की डेट में चाहते हैं कि इस ऐप को इंडिया से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, क्योंकि टिकटॉक के आने के बाद से देश के यंगस्टर्स और बच्चे दोनों के ही भविष्य खतरे में पड़ चुके हैं। एक तरफ टिकटॉक पर कई लोग मुजरा करते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो टिकटॉक पर अश्लीलता करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसका हमारे समाज पर काफी बुरा असर पड़ता है। अभी हाल ही में कैरी मिनाटी द्वारा टिकटॉकर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने और उनके वीडियो डिलीट होने के बाद से कैरी मिनाटी के फैंस और टिकटॉक के बीच जंग सी छिड़ गई है, जिसमें कैरी मिनाटी का साथ सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक कर रहे हैं और टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर पे 1 की रेटिंग देकर फ्लैग करने की अपील भी की जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि जिस ऐप की रेटिंग 16 मई को प्ले स्टोर पे 4.5 स्टार थी, वो अब काफी ज्यादा घट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक की रेटिंग 16 मई को थी 4.5, 17 मई को 3.8, वहीं 18 मई को इसकी रेटिंग थी 3.2 स्टार, 19 मई को इसकी रेटिंग करके हो गई थी 2.0, वहीं 20 मई को इसकी रेटिंग हो चुकी थी 1.3 स्टार। अब यदि बात करें आज की रेटिंग की, तो आज की आप इसकी रेटिंग जाकर देखेंगे तो इसकी रेटिंग हो चुकी है 1.2 स्टार। वहीं टिकटॉक लाइट की रेटिंग भी बुरी तरह से घटी है और टिकटॉक लाइट की रेटिंग 1 स्टार पे पहुंच चुकी है। आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों कि प्ले स्टोर पे किसी भी ऐप की रेटिंग 1 महीने तक 1 स्टार रहती है और काफी नेगेटिव रिव्यूज उस ऐप पर रहते हैं तो उसे प्ले स्टोर द्वारा हटा दिया जाता है, जिसके बाद टिकटॉक का रिमूव होना अब लगभग तय हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि कैरी मिनाटी से पंगा लेने वाले आमिर सिद्दीकी के भाई का भी अभी टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ था और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन रेखा शर्मा जी ने भी गवर्नमेंट से इंडिया में टिकटॉक बैन करने की मांग की है। कभी भी अचानक से हमें गवर्नमेंट द्वारा इस ऐप को बैन किए जाने की इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक टिकटॉक को 1 स्टार रेटिंग और फ्लैग नहीं किया है तो अभी जाकर करें, जिससे जल्द से जल्द ये ऐप बंद हो सके। और यदि आप इसको रेट कर चुके हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ऐप बैन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको देते हैं इसी तरह की तमाम लेटेस्ट नई अपडेट्स।